नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीप सी ऑफ विजडम में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस की 10th यूनिट का टॉपिक राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साइड में लगा बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों चलिए समझते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे और किसी की भी हेल्प हो सके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया। इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम कर दिया जा सके। एनजीटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। नेक्स्ट है, एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। एनजीटी का मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि अन्य चार क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाए। एनजीटी की संरचना, एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। एनजीटी में अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ अध्यक्ष सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और किसी भी सदस्य को पुनः पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हो। शक्तियां और अधिकार क्षेत्र क्या है इनके? अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। इसमें पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करना भी शामिल है। एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपोली क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की बात करें तो नागरिक प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। किसी भी आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय को देते समय यह आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सतत विकास निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करें। अधिकरण अपने आदेश अनुसार पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। क्षतिग्रस्त संपत्तियों की बहाली अथवा उसका पुनर्निर्माण करवा सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय का निष्पादन कार्यालय के आदेश के रूप में करना होता है।
एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन ना करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। एक निश्चित समय के लिए कारावास, जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। निश्चित आर्थिक दंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनिर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। पहला है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981। पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और छठा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सातवां है जैव विविधता अधिनियम 2002। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। एनजीटी का महत्व है। विगत वर्षों में एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए सख्त आदेश पारित किए हैं। विगत वर्षों में एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जंगलों में वनों की कटाई से लेकर अपशिष्ट प्रबंधन आदि के लिए सख्त आदेश पारित किए हैं। नेक्स्ट है एनजीटी ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित करके नई दिशा प्रदान की है। इससे उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक अनौपचारिक, मितव्ययी एवं तेजी से काम करने वाला तंत्र है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि अधिकरण का कोई भी सदस्य पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होता है और इसीलिए यह बिना किसी भय के स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय सुना सकता है। चुनौतियाँ क्या है? 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। लेकिन इससे कई बार एनजीटी के कामकाज प्रभावित होता है क्योंकि पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे इन अधिनियमों के अधीन आते हैं। एनजीटी के कई निर्णयों को उच्च न्यायालय में धारा 226 के तहत यह कहकर चुनौती दी जाती रही है कि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है जबकि अधिकरण एक वैधानिक संस्था है। यह इस अधिनियम का सबसे बड़ी खामी है कि इसमें यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि किन मुकदमों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है और किन को नहीं। आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने के कारण एनजीटी के निर्णयों की समय समय पर आलोचना होती रहती है। मुआवजे के निर्धारण की कोई स्पष्ट विधि ना होने के कारण भी अधिकरण आलोचना का शिकार हो जाता है। एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमा आए उसका निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए, परंतु मानव और वित्तीय संसाधनों के अभाव में एनजीटी ऐसा नहीं कर पाता है। एनजीटी का न्यायिक तंत्र भी सीमित संख्या में क्षेत्रीय पीठों के कारण बहुत अधिक प्रभावित होता है। एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय हैं। वर्ष 2012 में स्टील निर्माता कंपनी POSCO ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता किया था, परंतु एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया क्योंकि यह समझौता आसपास के ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित करने वाला था। एनजीटी के इस आदेश को स्थानीय समुदायों और जंगलों के लिए एक साहसी कदम माना गया है। वर्ष 2012 में ही एक अन्य मामले में एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस निर्णय को भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक माना है। आर्थिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालने के कारण एनजीटी के निर्णयों की समय समय पर आलोचना होती रहती है। मुआवजे के निर्धारण की कोई स्पष्ट विधि ना होने के कारण भी अधिकरण आलोचना का शिकार हो जाता है।
एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके अधीन जो भी मुकदमा आए उसका निपटारा 6 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए, परंतु मानव और वित्तीय संसाधनों के अभाव में एनजीटी ऐसा नहीं कर पाता है। एनजीटी का न्यायिक तंत्र भी सीमित संख्या में क्षेत्रीय पीठों के कारण बहुत अधिक प्रभावित होता है। एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय हैं। वर्ष 2012 में स्टील निर्माता कंपनी POSCO ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए ओडिशा सरकार के साथ एक समझौता किया था, परंतु एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया क्योंकि यह समझौता आसपास के ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित करने वाला था। एनजीटी के इस आदेश को स्थानीय समुदायों और जंगलों के लिए एक साहसी कदम माना गया। वर्ष 2012 में ही एक अन्य मामले में एनजीटी ने खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। इस निर्णय को भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक माना जाता है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड के मामले में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वह सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दे इस निर्णय में एनजीटी ने प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत का पालन किया था। वर्ष 2015 में एनजीटी ने यह आदेश दिया था कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2017 में दिल्ली में यमुना के खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल को पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसके बाद एनजीटी ने उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वर्ष 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर यह कहते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया था कि इस प्रकार के प्लास्टिक बैग से जानवरों की मृत्यु हो रही है और पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बहुत कम समय में एनजीटी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और पर्यावरण प्रहरी के रूप में अपनी एक अलग छवि निर्मित की है। इसके बावजूद देश में हो रही विकास गतिविधियों के साथ तालमेल स्थापित करके पर्यावरण संरक्षण हेतु एनजीटी के दायरे की को और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है, ताकि देश के विकास के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा किया जा सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो आप PDF के लिए मैसेज कर सकते हैं। हम आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच।